अटल स्मृति कप 2019 की तैयारी को लेकर मंत्री राजपरिवार के आवास पर हुई बैठक दिया गया अंतिम रूप। कल से शुरू होने वाले अटल स्मृति कप 2019 फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर एक बैठक आज मंत्री राजपरिवार के आवास पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता विद्यो मित्रा ने की। 20 सितंबर से 27 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री श्री मधुपुर विधायक मंत्री राजपरिवार के द्वारा किया जाएगा। जहां एक और आयोजन स्थल रेलवे फुटबॉल ग्राउंड को अंतिम रूप दे दिया गया है, वहीं प्रतियोगिता से संबंधित सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें धनबाद, वर्धमान, कोलकाता, चितरंजन, रांची, देवघर, टाटा, जमालपुर की है। इसमें 20 सितंबर का मैच धनबाद और वर्धमान के बीच होगा। दूसरा मैच 21 सितंबर को कोलकाता और चितरंजन के बीच होगा और दोनों में जीतने वाली टीम का 22 सितंबर को एक दूसरे के आमने सामने होगी। उसमें जीतने वाली टीम फाइनलिस्ट के रूप में खेलेगी। वह दूसरी और 23 सितंबर को रांची और देवघर जिला का मैच और 24 सितंबर को जमालपुर और टाटा के बीच मुकाबला खेला जाएगा। उसमें से जो टीमें जीतेंगी उन दोनों का मुकाबला 25 सितंबर को होगा और जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट टीम होगी। 27 सितंबर को दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता टीम को 15,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस बैठक में आशीष झा, अग्निभूषण, विद्रो मित्रा, विवेक बतवाल, अब्दुल गनी, दीपक मिश्रा, साहिद आलम, मिराज आलम, टीपू, अल्ताफ हुसैन, कामरान शामिल थे। इस कार्यक्रम को भव्य करना है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मूल कार्यक्रम के उपरांत वो देवघर के लिए प्रस्थान कर देंगे, तो रास्ते में जो जो माध्यम कर सकते हैं यात्रा को भव्य बनाने के लिए, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अंत में जो विधानसभा का अंतिम इलाका है चांदी, महात्म स्वागत, फिर वो यात्रा देवघर विधानसभा में प्रवेश कर जाएगी और वहां से फिर वो आर्मित्रा में समापन हो जाएगा। रूट यही है, कार्यक्रम निर्धारित इतना ही है। शिमला एक, पाथरोल दो, स्वागत के लिए मूल कार्यक्रम गांधी चौक, मूल कार्यक्रम फिर चांदी स्वागत। अब रूट को जहां से गुजरेंगे उसको भव्य सजाना, यात्रा में जहां प्रवेश करेंगे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ता आगे चल के स्वागत करेंगे। अब इसमें मूल रूप से कौरव प्रखंड एक, मधुपुर नगर एक, मधुपुर नगर पूरा, हुसैनाबाद का अंश, सिमरा पूरा, इतना मधुपुर का अंश, ग्रामीण का अंश, ये यात्रा से संपर्क करते हुए इतने प्रखंड से गुजर हो जाए। अब सिमरा और पाथरो ये दो जगह आपको कौरव मंडल का उजाला है, आपको बाहर से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है।